कोसीकला क्षेत्र के गांव बरहना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। कोसीकला के समीपवर्ती गांव बरहना में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़ा गांव के विजय बघेल और फतेह सिंह के परिवार के बीच हुआ, जिसमें घायल विजय बघेल ने बताया कि वो अपने घर की ओर जा रहे थे। उनके पड़ोस में रहने वाले फतेह सिंह और उनके परिवार के एक दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। ये देखकर विजय के पुत्र और भाई भी उन्हें बचाने आए तो उक्त सभी लोगों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जमकर मारपीट कर डाली। इसके अलावा छतों से ईंट पत्थर आदि बरसाकर उनके घरों की तीन महिलाओं सहित सात लोगों को घायल कर दिया। विजय ने बताया कि उनका फतेह सिंह से कोई पुराना जमीनी विवाद चला आ रहा है, जिसको लेकर फतेह सिंह उससे आए दिन मारपीट करता है। घटना के बाद सभी घायल कोसी कला के सरकारी अस्पताल पहुँचे और कोसी पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कहाँ की रहने वाली हो? थाने की। क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारे साथ तो ये, हम तो खेत पे रहते हैं, हमको क्या पता गम में क्या, और इनके हमारे अंकल के साथ कुछ बात हो गई थी तो हम देखने गए। इन्होंने पहले से ही वो लठ और वो मीट वीट इकट्ठी कर रखी, तो हम देखने गए तो उन्होंने ऊपर से बरसाने शुरू कर दी और वो डंडाबाजी शुरू कर दी उन्होंने। तुम्हारे क्या लगा है? डंडा लगा है, हाथ में कुड़ाई लगी है, सिर में डंडा लगा है। और किस किस की लगी है? हम सारे घर के इनकी लगी है। वो तो 15-20 थे। वो तो आपके कितने लोगों को चोट लगी है? 4-5 आदमी है जी। नाम विजय जी। कहाँ के रहने वाले? बराना के। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? घटना यही हुई जी, हमारी जगह घेर रखी है उन लोगों ने, और कई बार मतलब ये उन्होंने प्रयास किया है झगड़ा करने के लिए, मंचे जब भी हमारे वो ही है, घर के ही है जी। क्या नाम है? फतेह है उसका नाम, हमारा बटेरिया ही, और उसका भाई है देवकरण महेंद्र कमल सिंह, और उसने कमल सिंह ने मर्डर भी किया है पहले, और उसका लड़का है और वो भी पहलवानी करता है, वो पूरी दादा तमंचा वगैरह रखता है, और लड़की के हमारी हाथ काट दिया, कुड़ारी मारी, उन्होंने पूरे हथियार रख रखे थे और छत पे से मतलब ये उन्होंने छत और ईंटें बरसाई हैं, और हमारे सरदे को लू लुहान कर दिया हमको, और हम तो खेत में बारी बो रहे थे और खेत में काम से अलग रहते हैं, और हमारे भाई को अकेले को पीटा था। कितने लोगों के छूटे हैं? वो हमारे 6-7 बंदे हैं, हमारे बच्चे, उनको सभी को फोड़ दिया। गंभीर घायल कितने हैं? सभी गंभीर हैं। मेरा हाथ टूट रहा, टूट तोड़ दिया। खाने में कोई तहरीर दिया? कोई नहीं दी, अभी हमने सीधे आए हैं, कोई नहीं दी हमने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, लड़के की बचने की आस नहीं है, उसकी लाट उल्टी कर रहा है अभी, खून की उल्टी आ रही है उसके। देखो क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम कौन सा जिसके ज़्यादा चोट है ललित है उसके। और देखिए राहुल है, देखो ये लड़के के क्या, देखो